Okay, welcome to C4U. Again, we are going to deliver a lecture regarding the we can say regarding BPQS program. In this program, what we do, we take a particular topic from we can say that from any subject we take a particular topic and we uh, write some important feature of that topic, some important aspect of that topic in the form of bullet point, and then we go to solve a number of questions. That are asked in the various type of competitive examination, national competitive examination. Okay, that is the uh, basic purpose of this program. Name is that BPQS, and uh, you know very well that is the very unique program, specific program. And we are taking quantum chemistry. This one, lecture number three, we are talking about. So in this, this one, and that is applicable for these examination and other national level examination as well. Now in this, in this particular video, I am going to discuss. This one, what particular topic commutator algebra of operator commutator algebra of operator commutator algebra of operator. And first of all, I shall try to make some bullet point that you have to remember, and then uh, we will move towards we can say that we will move towards the uh, question series. Okay, so number one if you would like to see that what you have to focus on operator the word operator you know that operate a function generate a new function or a constant entity that we generally study in the operator but i am talking about here bullet point so इन द बुलेट पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट दिस वन दैट वी यूज ऑपरेटर हम ऑपरेटर यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेबल की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए ऑब्जर्वेबल की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले तो वो ऑपरेटर की वैल्यू हमें याद रखनी है किस ऑब्जर्वेबल के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है तो पहला वही है बुलेट पॉइंट कह लीजिए एक्सप्रेशन की फोर में होते हैं कि पोजिशन अगर मुझे डिटरमाइन करना है तो ऑपरेटर होगा ये दूसरा मोमेंटम अगर डिटरमाइन करना है तो ऑपरेटर होगा ये और उसकी वैल्यू होगी ये माइनस आई एच कट डेलापोन डेलेक्स देखो ऑपरेटर की जरूरत क्यों पड़ी क्यों हम यहाँ पे ऑपरेटर यूज कर रहे हैं फिलोसफी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या है ये सब हम कोर प्रोग्राम में पढ़ते हैं अभी हम सीधे सीधे पॉइंट पे जा रहे हैं बुलेट पॉइंट और उससे रिगार्डिंग सम फीचर्स और क्वेश्चन ये हमारा बेसिक पर्पज है तो ये माइनस आई एच कट हो गया आई क्या है इमेजनरी नंबर है इमेजनरी नंबर है और इमेजनरी नंबर अगर ये है आई तो आपको पता है आई स्क्वायर क्या होगा माइनस वन और एच कट क्या है एच अपॉन टू बाई ये हमें पता है दैट्स ऑल दूसरा काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर होता है जनरली एक्स डायरेक्शन के लिख रहा हूं अभी वाई क्या आप अपने आप से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के एक्स क्या होगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू एम डी टू बाई डी एक्स टू यह हमें याद रखना है नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी का क्या है पोटेंशियल एनर्जी का आपका होगा पोटेंशियल एनर्जी का होगा आपका क्या वी एक्स वन टोटल एनर्जी के ऑपरेटर को बोलते हैं क्या टोटल एनर्जी के ऑपरेटर को बोलते हैं हैमिल्टोनियन hx kx vx वैल्यू आप रख सकते हैं क्या माइनस h कट स्क्वायर 2m डेल टू अपॉन डेल x टू प्लस का vx तो पहले तो यही ऑपरेटर याद रखिए आप तो बुलेट पॉइंट कह लीजिए या इंपोर्टेंट एस्पेक्ट कह लीजिए ऑपरेटर जनरली ऑब्जर्वेबल की वैल्यू डिटरमाइन करने के काम में आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में फार्मूले होते हैं मोमेंटम निकालना हो क्लासिकल मैकेनिक्स में तो आप पीजिकल टू एम बी कह देते हैं लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आपको मोमेंटम निकालना है तो आपके पास ऑपरेटर होता है क्या

तो ऑपरेटर वर्ड का हो गया कि ऑपरेटर जनरली हम ऑब्जर्वेबल की वैल्यू डिटरमाइन करने के काम में लाते हैं और कुछ ऑपरेटर तो कम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर में जनरली आप क्या करते हैं कम्यूटेटर ऑपरेटर में ऑपरेटर की पोजिशन इंटरचेंज करके फंक्शन पे लगाते हैं ऑपरेटर की पोजिशन इंटरचेंज करके फंक्शन पे लगाते हैं और उनका डिफरेंस देखते हैं मतलब ऑपरेटर की पोजिशन इंटरचेंज करके फंक्शन पे लगाते हैं और उनका डिफरेंस देखते हैं और कंप्यूटेटर जनरली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाई रिप्रेजेंटेड किससे किया जाता है बाई दिस वन और दिस वन आल्सो तो अगर मैं कहता हूं कम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर ए एंड बी अगर मैं कहता हूं कम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर ए एंड बी मुझे चाहिए तो आप क्या लिखते हैं डायरेक्ट ए बी दिस वन ये आपका कंप्यूटर ओपरेटर है और अभी आपने क्या बोला ऑपरेटर जब लगाया जाता है फंक्शन पे पोजीशन को इंटरचेंज करके और उनका डिफरेंस देखा जाता है उसको कंप्यूटर कहते हैं मतलब इसके साथ एक फंक्शन अगर मैं ले लूं आर्बिट्री फंक्शन चूज कर लिया बाद में हटाया जा सकता है अगर मैंने ये फंक्शन यहां पे ले लिया साई तो आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे इज इक्वल टू क्या ए बी साथ में क्या दैट इज साई माइनस माइनस बी ए दैट फंक्शन साई दैट इज वेरी इंपोर्टेंट तो आपने क्या किया पहले बी लगाया बाद में ए यहां पे क्या हुआ पहले ए लगा बाद में बी यानी कि आप क्या कर रहे हैं आप पोजीशन इंटरचेंज करके लगा रहे हैं ऑपरेटर की और उसका डिफरेंस देख रहे हैं ठीक है जी अगर इफ ए बी साई माइनस का बी ए साई की वैल्यू ज़ीरो आ जाए दैन ए एंड बी आर सैड टू बी कम्यूट आर सैड टू बी कम्यूट कम्यूटेशन का रोल क्या होता है कम्यूटेशन की जनरली रिक्वायरमेंट क्या है नेसेसिटी क्या है वो जनि हम कोर कोर्स में पढ़ते हैं अभी सिर्फ मैं पॉइंट पे जा रहा हूँ कि कम्यूटेटर ए कम्यूटेटर बी साई क्या होता है ये होता है ये एक ऑपरेशन है मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें ऑपरेटर की पोजिशन क्या की जाती है इंटरचेंज की जाती है मतलब पहले आपने क्या लगाया बी लगाया बाद में क्या लगाया ए यहाँ पे पहले ए लगाया बाद में बी लगाया जो नज़दीक है बी पहले लगा दिया ए बाद में माइनस उल्टा करके लगा दिया अगर ए बी साई माइनस बी एस आई जीरो है तो कम्यूट बोले जाएंगे और अगर ए बी साई माइनस बी एस आई जीरो नहीं है तो क्या बोला जाएगा ए एंड बी आर नोट कम्यूट दूसरा पॉइंट ये रखिए दूसरा पॉइंट ये रखिए ये आपका कम्यूटेटर हो गया पहला आपका क्या हो गया पहला आपका ऑपरेटर कौन कौन से याद रखने हैं दूसरा आपका ये हो गया क्या पूरा कम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग मैं देखता हूं थर्ड मैं कम्यूटेटर निकाल के देखता हूं जनरली मान लीजिए मैं निकालता हूं डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन क्वेश्चन की फॉर्म में अगर लिखूं तो ऐसे लिखूंगा फाइंड द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर डी बाई डी एक्स विद एक्स की पावर एन एक क्वेश्चन निकाल के देखता हूं फिर इस पे दो बुलेट पॉइंट बना दूंगा छोटे छोटे उसके बाद क्वेश्चन देख लेंगे ठीक है देखो जरा ध्यान से मुझे यह प्राप्त करना है डी बाई डी कम्यूट ऑपरेटर है ऑपरेटर के की वैल्यू चाहिए मुझे अब ऑपरेटर के कम्यूटेटर की वैल्यू ऐसे तो निकाल नहीं सकता मुझे क्या लेना पड़ेगा एक फंक्शन लेना पड़ेगा आर्बिट्रेरी एक फंक्शन ले लूंगा साई एक्स साई एक्स मतलब क्या एक्स का फंक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि बात किसकी चल रही है मोशन एक्स की चल रही है तो आप क्या लिख दोगे आप लिख दोगे डायरेक्ट क्या लिखोगे आप लिखोगे क्या ए बी साई माइनस बी ए साई ये आप लिख दोगे इस परिस ए बी साई ये कौन है ये है आपका ए है आपका बी यह आपका लिया क्या आपने साई si, क्या होगा ए बी साई माइनस बी ए साई तो ये क्या है आपका ए ये क्या बी ये क्या बी ये क्या ए आप ऐसे कह रहे हैं तो यह आपका क्या हो गया ए बी साई माइनस का बी एस आई तो जब मैं इसकी वैल्यू देखता हूँ वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट के आने का लाभ ये होता है कि आपको आगे ज्यादा बार बार ये नहीं करना पड़ता एक्स की पावर एन गुणा कर लेगा एक्स की पावर एन एक्स होगा माइनस यहां पे क्या होगा एक्स की पावर एन ऑपरेटर डी साई अपॉन डी डीएक्स होगा ऑपरेशन के बाद टोपी हटा दी कैप हटा दी ऑपरेटर कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है ऑपरेशन के बाद हटा देते हैं यानी कि एक्स की पावर एन ने गुणा कर लिया जनद गुणा किया करता है ऑपरेटर क्या क्या करता है गुणा किया करता है पोजिशन का ऑपरेशन क्या होता है गुणा करना तो गुणा किया करता है तो गुणा कर लिया ये क्या होगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन ये दो हिस्सों में टूट गया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये दो हिस्से बन गए इसके ये बन गया इसकी जगह आ गया ये उसके बाद नेक्स्ट वाला जो था पीछे वाला वो तो एज इट इज रहा एक्स की पावर एन डी साई एक्स अपॉन डी एक्स देखिए साहब ये क्या बना एक्स की पावर एन डी साई एक्स अपॉन डी एक्स यस प्लस साई एक्स एन एक्स की पावर n माइनस वन साई एक्स एन एक्स की पावर n माइनस वन माइनस का एक्स की पावर एन डी साइए डी एक्स ये कैंसिल हो गया और क्या मिला वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट एन एक्स की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन साई एक्स तो क्या हुआ जनरली आप ध्यान दीजिए प्लीज आपका हुआ क्या डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन जो साई एक्स था उसकी जो वैल्यू आई साई एक्स जो था उसकी जो वैल्यू आई क्या वैल्यू आई उसकी उसकी वैल्यू आई nx की पावर n 1 और साथ में क्या साई si x ये साई si x आ गया था तो इसको हटा दिया दोनों साइड से साई si x को एक तरफ से आर्बिटरेरी लिया था हटा दिया तो क्या मिला d by dx x की पावर n क्या मिला nx की पावर n 1 ये याद रखिए प्लीज d by dx x की पावर n क्या मिला nx की पावर n 1 यानी कम्यूटेटर d by dx तीसरा बुलेट पॉइंट है कि पहला डेरिवेटिव पोजीशन और पोजिशन पहला डेरिवेटिव पोजिशन और पोजिशन की पावर के साथ कम्यूटेटर में सेम रिजल्ट देता है जब वो जो वो किस में देता है डिफ्रेंसीशन में देता है ध्यान देना प्लीज क्या बोला पहला डेरिवेटिव पोजिशन या पोजिशन की पावर के साथ डिफ्रेंसीसन वाला रिजल्ट ही कम्यूटेटर में देता है बशरते आपका कोऑर्डिनेट सेम हो तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं होती ये तो मैंने करके दिखाया है तो मैंने क्या बोला है मैंने बोला है बुलेट पॉइंट में क्या बोल दिया बुलेट पॉइंट में बुलेट पॉइंट में मैं बोल सकता हूँ क्या बुलेट पॉइंट में मैं कह सकता हूं जनरली बुलेट पॉइंट में मैंने बोल दिया कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन क्या बन रहा है मेरा D by Dx, X की पावर N, मेरा मेरा की 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 बना क्या बन बन गया गया तीसरा ये अब मैं लिखता हूं कुछ कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी ध्यान देना जी प्लीज तो मैं लिखता हूं कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है अगर डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन ये बना तो मैं आगे भी जा सकता हूं उसमें जैसे मैं आपसे कहने लगूँ पी एक्स एक्स की पावर एन क्या होगा तो आप कह दोगे कुछ नहीं करना होगा माइनस आई एच कट अपॉन डेल एक्स कह दिया एक्स की पावर एन कह दिया माइनस आई एच कट बाहर चला गया डी बाई डी एक्स हो गया कम्यूटेटर एक्स की पावर एन हो गया क्या मिला माइनस आई एच कट एन एक्स की पावर एन माइनस वन मिल गया आंसर answer...

ए कम्यूटेटर बी होता है माइनस का बी कम्यूटेटर ए मतलब अगर ए कम्यूटेटर बी एम के बराबर है तो बी कम्यूटेटर ए माइनस एम के बराबर होगा इसी को आप क्या कहते हैं एंटी एंटीसीमेट्री क्या होता है मैथमेटिकली आइडिया दे रहा हूं मैथमेटिकली एंटी सिमेट्री क्या होती है आप देख सकते हैं मान लो ये है और एक आपका ये है दो चीजें हैं तो ये क्या है सिमेट्रिक है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ये प्लस एक्स मान लीजिए ये माइनस एक्स तो साई एक्स क्या साई माइनस एक्स साइएस एक्स क्या है माइनस एक्स यानी कि डायरेक्शन चेंज करने से सेम रहता हो तो क्या हो सिमेट्रिक भाई एक्स से माइनस एक्स किया तो क्या रहा सेम रहा ये क्या है प्लस एक्स ये क्या है माइनस एक्स पोजिशन चेंज करने से सेम तो है पर विद नेगेटिव आया है वो क्या होगा एंटी सिमेट्रिक तो ये होता है आपका जनरली क्या सिमेट्री और एंटी सिमेट्री का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है सिमेट्री सिमेट्री का का एंटी पोजिशन चेंज करने के बाद अगर सेम विद नेगेटिव आ जाए तो क्या होता है एंटी सिमेट्री पोजिशन चेंज करने के बाद अगर सेम आ जाए तो सिमेट्री अब आपने पोजिशन चेंज कर दी विद नेगेटिव आ गया तो क्या बोला जाता है एंटी सिमेट्री तो एंटी सिमेट्री को फॉलो करता है कौन कम्यूटेटर रिलेशनशिप मोटी बात यह है आपको यह ध्यान रखना है कि अगर d बाई डी एक्स एक्स की पावर n एन एक्स की पावर n माइनस वन है तो x की पावर n d बाई डी एक्स क्या होगा माइनस एन एक्स की पावर n माइनस वन होगा यह याद रखना है आपको तो पूरा वैसे आप लिखते हैं कि कंप्यूटर रिलेशनशिप जब आप पढ़ते हैं कंप्यूटर रिलेशन फॉलो द एंटीसीमेट्री प्रिंसिपल एंटीसीमेट्री का मतलब क्या होता है पोजिशन इंटरचेंज करने के बाद सेम विद नेगेटिव आ गया पोजिशन इंटरचेंज करने के बाद सेम विद नेगेटिव आगे एंटीसीमेट्रिक है पोजिशन चेंज करने के इंटरचेंज करने के बाद अगर सेम रह गया तो क्या होता है सीमेट्रिक होता है तो ये पहला आपको याद रखना है क्या ये आपका हो गया फर्स्ट फर्स्ट क्या बोला आपने एंटी एंटीसीमेट्रिक दूसरा होता है दिस वन लीनियरिटी लीनियरिटी क्या है अगर आप कह रहे हैं कि ए का कम्यूटेटर बी प्लस सी के साथ देखना है ए का कम्यूटेटर बी प्लस सी के साथ देखना है तो मिलेगा क्या ए कम्यूटेटर बी प्लस का ए कम्यूटेटर सी ये भी आप कह सकते हैं तीसरा आप कहते हैं क्या डिस्ट्रीब्यूटिविटी डिस्ट्रीब्यूटिविटी से क्या कहते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटिविटी से क्या कहते हैं आप कहते हैं कि ए कम्यूटेटर बी सी क्या होगा आपका ए कम्यूटेटर बी सी ए कम्यूटेटर बी सी होगा ए कम्यूटेटर बी सी बाहर प्लस का बी कम्यूटेटर ए सी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसको ध्यान देना प्लीज़ ए को दोनों पे लगना है ए को बी पे भी लगना है एक को सी के पे लगना है यहाँ को बी पे लगा दिया एक को सी पे लगा दिया जब ए बी पे लगा सी बाहर किधर है राइट right में तो सी राइट right में चला गया जब ए सी पे गया तो बी बाहर किधर लेफ्ट में क्योंकि बीसी में से लेफ्ट तो में है ना तो बी सी का कोम्बो नहीं टूटना चाहिए ये रहा बी रहा रा, ये रा, सी, ये रा, ये रा सी। तो ये भी आपको ध्यान रखना डिस्ट्रीब्यूटिविटी ये थर्ड है फोर्थ छोटी छोटी बातें हैं ये ये आपको देखनी पड़ेगी फोर्थ आप देख सकते हैं तो यहां पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स दिस वन ये होता है और आप इसी में ये भी लिख सकते हैं जो मैंने छोड़ा था अभी पी एक्स एक्स की पावर एन क्या है पी एक्स एक्स की पावर आपका क्या है एन पी एक्स एक्स की पावर एन होता है आपका माइनस आई एच कट एन एक्स की पावर एन माइनस वन फोर्थ में आप ये याद रखिए कि अगर ए बी एम के बराबर है तो बी ए क्या होगा माइनस एम इसमें प्रॉपर्टी देख रहा हूँ फोर्थ में प्रॉपर्टी को चाहे आप दूसरा सिंबल दे लें ताकि कन्फ्यूज़ ना हो ये मैं कह देता हूँ यहाँ वन ये कह देता हूँ मैं पहला ये कह देता हूं मैं दूसरा प्रॉपर्टी कह रहा हूं किसकी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ वाट प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर रिलेशनशिप नंबर टू कह देता हूं इसको दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कलर दे देता हूं टू लीनियरिटी थर्ड इसको कह देता हूं डिस्ट्रीब्यूटिविटी को भी फॉलो करता है अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी को अगर आप और अच्छे से वो करना चाहते हैं तो मान लीजिए मैं कहता हूँ ध्यान देना जी प्लीज़ अगर मैं कहता हूँ कि आप एक्स पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए एक्स पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए अगर मैं कहता हूँ आप एक्स पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए तो आप कैसे बताएंगे मान लो मैं कहता हूँ एक्स पी एक्स स्क्वायर चाहिए दिस वन तो आप क्या बोलेंगे एक्स पी एक्स स्क्वायर चाहिए आपको तो आप क्या कहेंगे एक्स पी एक्स पी एक्स कह देंगे यस yes. फिर क्या कह देंगे ये ए हो गया ये बी हो गया ये सी हो गया एक्स किस पे लगा पी एक्स पे पी एक्स क्या हो गया बाहर प्लस उसके बाद क्या बोलूँगा पी एक्स होगा कहा बाहर एक्स पी एक्स ठीक है जी अब एक्स पी एक्स क्या है एक्सपीएक्स तो आप देख सकते हैं कहाँ से देख सकते हैं यहाँ से एक्स पी एक्स तो किसी भी तरीके से देख सकते हैं आप एक्स पी एक्स को निकालना हो तो क्या निकालेंगे आई एच कट ये क्या था एन एक्स की पावर एन माइनस एक्स पी एक्स को तो आप निकाल सकते हैं यहाँ निकाल लीजिए एक्स पी एक्स की वैल्यू अलग से अलग से निकाल लीजिए एक्सपीएक्स क्या होगा देख लीजिए क्या होगा एक्स होगा माइनस का आई एच कट डेलप अपॉन डेल एक्स होगा यस माइनस आई एच कट बाहर जाएगा एक्स डेलप अपॉन डेल एक्स होगा एक्स डेल पोन्डेलेक्स को चेंज कर दूंगा माइनस आई एच कट ध्यान दीजिए जी प्लीज एक्स अपॉन डेल एक्स क्या लिख दूंगा डेला पोन डेलेक्स एक्स कर दूंगा नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा एक्स अपॉन डेल एक्स क्या होता है माइनस डेल अपॉन डेल एक्स तो माइनस करते ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस और डेल अपॉन डेल एक्स क्या हो गया पहला डायरेविटिव पोजिशन या पोजिशन की पावर के साथ क्या देता है वही रिजल्ट जो वो डिफ्रेंस में देता है तो ये क्या हो गया वन तो आंसर क्या आई एच कट तो एक्स पी एक्स क्या होता है आई एच कट तो अगर एक्सपीएक्स आई एच कट होता है तो ये क्या हो जाएगा आई एच कट पी एक्स प्लस पी एक्स आई एच कट वैल्यू कितनी टू आई एच कट पी एक्स वैल्यू आ जाएगी किसकी स्क्वायर की X, Px, की वैल्यू आएगी क्या टू आई एच कट पी एक्स क्यों क्योंकि एक्सपीएक्स की वैल्यू आती है आई एच कट एक्सपीएक्स क्या आई एच कट एक्सपीएक्स स्क्वायर क्या टू आई एच कट पी एक्स ध्यान देना प्लीज जो मैं बोल रहा हूं एक्स पी एक्स क्यूब क्या आएगा एक्सपीएक्स क्यूब आ जाएगा थ्री आई एच कट पी एक्स स्क्वायर एक्स पी एक्स फोर क्या आएगा एक्सपीएक्स फोर आएगा क्या फोर आई एच कट पी एक्स क्यूब तो मोटी बात अगर मैं मिला के देखता हूं सब चीजों को एक जगह तो आपको एयर लेसन याद रखना लीनियरिटी एयर लेसन रखना डिस्ट्रीब्यूटी एयर लेसन आपका है क्या एंटीसीमेट्री एक्सपीएक्सक्वायर वगैरह को बार बार करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है आप सीधा बोल दोगे क्या बोल दोगे सीधा सीधा ध्यान रखना रे ये आपका बुलेट पॉइंट बहुत मेजर बनता है क्या बोल दोगे आप यहीं पे लिख देता हूं इसको भी क्या बोल सकता हूं ये बोल सकता हूं आपने कहा अभी पी x एक्स की पावर n क्या है माइनस आई एच कट x की पावर n माइनस वन है और अभी जो आपने रिलेशन निकाले उन रिलेशन से क्या मिला आपका जो रिलेशन था उससे रिलेशन से क्या मिल रहा है आपको आई एच कट एन एक्स की पावर n माइनस वन है ये देखिए माइनस आई एच कट एन एक्स की पावर n माइनस वन आपने कहा कि x की पावर n पी एक्स क्या होगा आपने बोला होगा प्लस आई एच कट एन एक्स की पावर एन माइनस वन ये आपने बोला अब आप दूसरा आपने कहा एक्स पी एक्स क्या है वन है फिर आपने कहा जल्दी एक्स पी एक्स स्क्वायर क्या है टू आई एच कट पी एक्स है फिर आपने बोला एक्स पी एक्स क्यूब क्या है आपने कहा थ्री आई एच कट पी एक्स स्क्वायर है आप कह देंगे एक्स पी एक्स की पावर एन क्या है एन आई एच कट पी एक्स की पावर एन माइनस वन है ध्यान देना नहीं। प्लीज अब एक्सपीएक्स की पावर एन आपके पास आ चुका है ये आपका एक्सपीएक्स X X की पावर एन है और ये आपका एक्स की पावर एन पी एक्स है दोनों में देखिए प्लीज क्या रिलेशन मिल रहा है जब एक्स की पावर एन पी एक्स है एक्सपीएक्स है एक्स अगर पहले है तो प्लस आई एच कट प्लस आई एच कट यहाँ पे क्या है एनएक्स की पावर एन माइनस वन यहां पे क्या है एन पी एक्स की पावर एन माइनस वन इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कैसे लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूं जी ऐसे कैसे आई एच कट एन पी एक्स की पावर एन माइनस वन तो ये आपको ध्यान रखना है एक्स अगर पहले है तो प्लस आएच कट प्लस आईच कट है अगर एक्स की पावर एन है तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन है और अगर पी एक्स की पावर एन है तो एन पी एक्स की पावर एन माइनस वन होता है बस ये बुलेट पॉइंट आप याद रखना क्या याद रखना एक्स अगर पहले है. क्योंकि अगर उल्टा कर दूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा एंटी सिमेट्री को तो फॉलो करेगा ही एंटी सिमेट्री को तो फॉलो करेगा ही क्या कह रहा हूं मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं ध्यान देना जी अगर मुझे पोजीशन का और मोमेंटम का पोजीशन का और मोमेंटम का एक्स और पी एक्स का कम्यूटेटर देखना है पावर अगर अगर मुझे ये देखना है और ये देखना है तो मैं कहूंगा अगर एक्स पहले है तो मेरा प्लस आई एच कट आएगा प्लस आई एच कट आएगा नंबर वन प्लस आई एच कट बोल रहा हूँ एक्स अगर पहले है तो प्लस आई एच कट आएगा पावर अगर, अगर एक्स पे है तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन और पावर अगर पी एक्स पे है तो एन पी एक्स की पावर एन माइनस वन होती है यह आपको ध्यान रखना है अब इन्हीं के बेस पे क्या कह सकता हूं अगर पीएक्स पहले है अगर पी एक्स पहले है अगर पीएक्स पहले है तो क्या होगा माइनस आई एच कट माइनस आई एच कट क्यों कह रहा हूं पी एक्स अगर पहले है, तो माइनस एच कटा रहे भाई एंटी एंटीमेट्री को फॉलो करेगा अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस एच कटाएगा अब अगर x की पावर है तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन अगर पीएक्स की पावर है तो एन पी एक्स की पावर एन माइनस वन ये सब याद रखना है आपको ये याद रखिए बस सब भूल जाइए ये बुलेट पॉइंट है आपका उसके अलावा आपके पास ये तो है ही आपके पास ये तो है ही जहां से ये चला था डी वाई डी एक्स एक्स की पावर एन क्या है ये है और दूसरा क्या है आपके पास दूसरा आपके पास है कि एक्स की पावर एन डी वाई डी एक्स क्या होगा माइनस एन एक्स की पावर एन माइनस वन ये आप याद रखिए प्लीज तो मोटी बात क्या है अगर कम्यूटेटर एक्स और पीएक्स का देख रहे हैं अगर कम्यूटेटर एक्स और पीएक्स का देख रहे हैं तो यह देखना है कि एक्स पहले है कि पीएक्स पहले है अगर एक्स पहले है तो प्लस आई एच कट अगर पीएक्स पहले है तो माइनस आईएच कट उसके बाद उसके बाद क्या देखना है अगर x पहले है तो प्लस i's कट px पहले है तो माइनस i's कट उसके बाद अगर x की पावर है n तो nx की पावर n 1 और अगर px की पावर है n तो क्या होगा npx की पावर n 1 तो मैंने जो अभी बोला उसको फिर से सुनिए ऑपरेटर जनरली ऑब्जर्वेबल की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए काम आता है पहला बुलेट पॉइंट मुझे ऑपरेटर याद रखने हैं पोजीशन का x होता है गुणा करना उसका काम होता है मोमेंटम का पी एक्स है माइनस एच का डेल अपच का एनर्जी का एच एक्सलबर टू दूसरी आपने बात की क्या ऑपरेटर की बात commutator. Commutator एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होती है फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर की पोजिशन इंटरचेंज करके लगाया जाता है ए बी साई माइनस बी एस आई करके लगाया जाता है अगर ए बी साई माइनस बी एस आई जीरो आ जाए तो आप क्या बोलते हैं ए बी साई माइनस बी एस आई जीरो आ जाए तो उसे कम्यूट बोला जाता है अगर जीरो नहीं आता कम्यूट नहीं बोला जाता उसके बाद पहला डेरिवेटिव ऑपरेटर

कि सिमेट्री को फॉलो करता है एंटी सिमेट्री को फॉलो करता है मतलब A B B A होता है। अगर ऐसा है ए कंप्यूटर बी कम्पर ए होता है तो अगर एन माइनस वन है तो एक्स की पावर एन डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा अगर पीएक्स एक्स की पावर एन माइनस आई एच कट एन एक्स की पावर एन माइनस वन है तो एक्स की पावर एन पी एक्स प्लस आई एच कट एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा यस फिर मैंने से दिखाया कि अगर एक्स एकस पी एक्स आई एच कट है तो एक्स एक्सपीएक् स्क्वायर टू आई एच कट पी एक्स है एक्सपीएक्स की पावर तीन थ्री आई एच कट पी एक्स स्क्वायर है एक्स एक्सपीएक्स की पावर एन क्या होगा प्लस आई एच कट एन पी एक्स की पावर एन माइनस वन होगा अब आपने कहा अगर पोजिशन और मोमेंटम को आप देख रहे हैं तो अगर पोजिशन पहले है तो प्लस आई एच कट और अगर मोमेंटम पहले है तो माइनस आई एच कट होता है और उसके बाद देखते हैं पावर एक्स पे है या पी एक्स पे है अगर पावर एक्स पे है तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन और अगर पावर पी एक्स पे है तो एन पी एक्स की पावर एन माइनस वन होता है उसके अलावा लीनियरटी वगैरह आप देखा तो मैं अब इनको एक जगह करता हूं समेराइज जो मेरे बुलट पॉइंट्स बने तो पहला ये क्या कि ऑपरेटर आपने याद कर लिए दूसरा कम्यूटेटर आपके पास है कम्यूटेटर में भी आपके पास क्या है कम्यूटेटर में आप कह सकते हैं आपके पास क्या है कम्यूटेटर में आप कह सकते हैं दूसरा बुलेट पॉइंट है ए कम्यूटेटर बी साई आपका ए बी साई माइनस का बी ए साई होता है आप बोलते हैं कि अगर इफ क्या बोला ए बी साई माइनस बी ए साई जीरो है तो ए एंड बी क्या बोले जाएंगे कम्यूट बोले जाएंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर ए बी साई माइनस बी ए साई जीरो नहीं है तो क्या बोला जाएगा ए एंड बी नोट कम्यूट पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री जो आपका कैलकुलेशन होके आया डी बाई डी एक्स का कम्यूटेटर एक्स की पावर एन के साथ एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है पी एक्स का कम्यूटेटर एक्स की पावर एन के साथ माइनस आई एच कट एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है ये पॉइंट नंबर थ्री पॉइंट नंबर चार सिमेट्री को फॉलो करता है कम्यूटेटर फॉलो द सिमेट्री मतलब ए कम्यूटेटर बी अगर एम हो तो ए कम्यूटेटर बी की जगह अगर बी कम्प्यूटर ए कर दू तो क्या होगा माइनस एम होगा मतलब अगर डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो तो एक्स की पावर एन डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस दिस वन एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा अगर पी एक्स एक्स की पावर एन क्या हो माइनस आई एच कट एन एक्स की पावर एन माइनस वन है माइनस आई एच कट तो एक्स की पावर एन पी एक्स क्या हो जाएगा प्लस आई एच कट एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा उसके बाद आपने क्या कहा पांचवा पॉइंट जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी से आया आपका वो बोला आपने क्या पांचवा आपने कहा ए कम्यूटेटर बी प्लस सी तो ए कम्यूटेटर बी प्लस ए कम्यूटर सी होगा उसके बाद आपने क्या बोला उसके बाद बोला कि जनरली अगर ए कम्यूटेटर बी सी है तो आप कहेंगे क्या ए कम्यूटेटर बी सी बाहर है प्लस का बी ए कम्यूटर सी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद इसका कंक्लूजन क्या बोला आपने इसका कंक्लूजन बड़ा प्यारा आया आपने क्या कहा आपने कहा सीधा सीधा कि अगर एक्स और पी एक्स का कम्यूटेटर आप देख रहे हो किससे आया आपका डिस्ट्रीब्यूटी से आपने कंक्लूजन किया कि आपको पता है क्या आपको पता है पॉइंट देखिए प्लीज पॉइंट नंबर सिक्स में ही कर देता हूं छह में ही कर देता हूं सिक्स में आपको पता है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन क्या है एन एक्स की पावर एन माइनस वन पहला डेरिवेटिव पोजीशन या पोजीशन की पावर के साथ सेम रिजल्ट देता है जो वो डिफ्रेंसिएशन में देता है कंप्यूटूटर में भी बसरते कोऑर्डिनेट सेम हो ये और ये सेम होना चाहिए अगर डी बाई डी जेड है और जेड की पावर एन है तो क्या होगा एन जेड की पावर एन माइनस वन होगा एंटी सिमेट्री अगर इस पर लगा दूं तो एक्स की पावर एन डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा उसमें कोई टेंशन नहीं है तो यह आप देख सकते हैं दूसरा आप कह रहे हैं क्या कि अगर मैंने क्या कर दिया मैंने अगर पी एक्स एक्स की पावर एन किया तो कोई चेंजेस नहीं माइनस आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स हो गया साथ में एक्स की पावर एन कर गया माइनस एच कट बाहर आ गया निकाल के भी आप तुरंत देख सकते हैं डी एक्स एक्स की पावर एन आ गया माइनस एच कट एनएक्स की पावर एन माइनस वन आ गया आपने बोला कि अगर मैं एक्स की पावर एन पी एक्स करके देखने लगूँ ये पी एक्स एक्स की पावर एन क्या आया माइनस आई एच कट एन एक्स की पावर एन माइनस वन आया यही तो आया पी एक्स एक्स की पावर एन पी एक्स क्या हो गया प्लस ih कट nx की पावर n 1 आया फिर मैंने बोला कि जनरली आपने क्या कहा आपने बोला कि x px आपका क्या होता है x px क्या होता है प्लस ih कट x px स्क्वायर क्या होता है ih कट 2px x 3px क्यूब क्या होता है आपने कहा ih कट 3px स्क्वायर आपने डायरेक्ट कह दिया कि एक्स पी एक्स की पावर एन क्या होगा आपने कहा प्लस आई एच कट एन पी एक्स की पावर एन माइनस वन और अगर मैं इसी से कहूं कि पी एक्स हो पी एक्स की पावर एन एक्स क्या हो जाएगा माइनस आई एच कट एन पी एक्स की पावर एन माइनस वन तो आपको जो रिलेशन याद रखने हैं वो ये रखना है एक्स पी एक्स की पावर एन अगर एक्सो और पी एक्स का कम्यूटेटर देख रहे हैं दो तो रिलेशन ये याद रखिए और दो क्या रखिए ये याद रखिए दिस वन ध्यान दीजिए प्लीज इन दोनों पर इन दोनों पे ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ एक्सपीएक्स का यहां देख रहे हैं एक्सपीएक्स का यहां देख रहे हैं एक्सपीएक्स का यहाँ एक्सपीएक्स का आया एक्सपीएक्स का यहाँ एक्सपीएक्स का यहां अगर एक्स पहले है तो प्लस आई एच कट यहां पे आया है प्लस आई एच कट यहां पे आया यहां पावर एक्स की है तो इसलिए एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो गया यहां पावर किसकी है यहां पावर पी एक्स की है तो एन पी एक्स की पावर एन माइनस वन हो गया मतलब आप यहां पे देखिए दोनों को अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिल रहा है एक्स की पावर एन पी एक्स है और दूसरा एक्स पी एक्स की पावर एन है तो आप क्या कह रहे हैं दोनों में एक्स पहले है तो क्या आएगा प्लस आई एच कट यहां आएगा प्लस आई एच कट यहां आएगा लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आगे इंपॉर्टेंट है अगर x पहले है x पी एक्स के कम्यूटेटर में तो प्लस आई एच कट आएगा दोनों में लेकिन यहां पे x की पावर है तो क्या हो जाएगा एन एक्स की पावर n माइनस वन यहां पर पीएक्स की पावर है तो क्या हो जाएगा एन पी एक्स की पावर n माइनस वन यह आपको ध्यान रखना है अगर आप कहने लगे तो दोनों चीजें तो ये याद रखनी है दूसरी चीज अगर आपसे कहने लगे कि भाई पीएक्स एक्स है यानी आपका पी एक्स एक्स की पावर एन है या फिर पी एक्स की पावर एन एक्स है तो अगर पी एक्स पहले है तो क्या आएगा माइनस आई एच कट ही आएगा माइनस आई एच कट ही आएगा फिर पावर देखी जाएगी पावर किसकी है अगर एक्स की पावर एन है तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा और अगर पी एक्स की पावर एन है तो एन पी एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा ये याद रखना है बस आपको दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट बना यह आपको याद रखना है बुलेट पॉइंट की फोर में उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जैसे मैं लेके चल रहा हूं पॉइंट नंबर सेवन क्या जैसे ऑपरेटर अपने साथ अपनी पावर के साथ कम्यूट करता है ए ए क्या होता है जीरो ए ए स्क्वायर क्या होगा जीरो ऑपरेटर अपने साथ अपनी पावर के साथ कम्यूट करता है ऑपरेटर किसी कॉन्स्टेंट के साथ कम्यूट करता है ये ऑपरेटर है ये कॉन्स्टेंट है कम्यूट करता है मतलब जीरो वैल्यू देता है कम्यूटेटर की वैल्यू जीरो आ जाए तो क्या बोला जाता है कम्यूट बोला जाता है ऑपरेटर मान लो एक एम ऑपरेटर है एक एन ऑपरेटर है और दोनों का ऑपरेशन एम और एन दोनों का ऑपरेशन एम और एन दोनों का ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लिकेशन है तो क्या वैल्यू देगा मल्टीप्लिकेशन तो क्या देगा क्या देगा कम्यूट करेगा कम्यूट करता है अगर एम और एन दोनों का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो कम्यूट करते हैं मतलब ये क्या होगा जीरो अगर दोनों का ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन जैसे पोजिशन एक्स है और पोजिशन वाई है दोनों का कंप्यूटर क्या देगा जीरो जैसे एक्स है वी एक्स है क्या होगा जीरो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेशन भी क्या होता है मल्टीप्लिकेशन तो अगर दोनों का ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है तो क्या दे देगा जीरो दे देगा ये भी आपको याद रखना है तो ये छोटी छोटी बातें हैं कॉन्स्टेंट के साथ अपने साथ अपनी पावर के साथ ये जीरो देगा तो ये आप बुलेट पॉइंट में याद रख सकते हैं तो पहले देखिए ध्यान से क्या क्या मैंने बोला मैंने बोला ये आपका ऑपरेटर का रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखना है ऑपरेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन होता है वी का ऑपरेशन क्या मल्टीप्लीकेशन पोजिशन का ऑपरेशन क्या मल्टीप्लीकेशन इसका भी मल्टीप्लीकेशन होता है इसका भी मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन होता है उसके बाद ये भी याद रखना होता है आई इमेज रे नंबर आई स्क्वायर क्या एच कट की वैल्यू क्या दूसरा आपको ये याद रखना है कंप्यूटर क्या है ए बी साई माइनस बी एस आई अगर वो जीरो आ जाए तो कम्यूट बोले जाते हैं अगर जीरो नहीं आता तो नोट कम्यूट बोले जाते हैं उसके बाद डी बाय डी एक्स एक्स की पावर n ये होता है px ले लूं तो क्या होता है माइनस एच का टेन एक्स की पावर n माइनस 1 होता है उसके बाद ये किसकी फॉर्म में ए बी प्लस सी यानी कि ये लीनियरिटी ये आपकी क्या ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी या आपकी क्या एंटी एंटीसीमेट्री मतलब अगर डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस वन है तो अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा अगर मैं इसको कर दूं तो नेगेटिव आ जाएगा और उसके बाद सीधा कंक्लूजन ये देखिए क्या कि अगर मुझे पोजिशन का और मोमेंटम का कम्यूटेटर देखना है अगर मुझे पोजिशन यहाँ पे देखिए प्लीज़ ये सारी चीज़ें देखिए ये क्या है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन एन एक्स की पावर माइनस वन में है अगर मैं उल्टा कर दूं इसको एक्सी पा एन डी बाई डी कर दूं तो नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव में ये नेगेटिव में क्यों क्योंकि आपने क्या बोला है डी बाई डी एक्स की पावर एन किसका फॉलो करता है पहला डेरिवेटिव पोजिशन या पोजिशन के पावर के साथ डिफ्रेंसिएशन में वही रिजल्ट देता है तो कंप्यूटेटर में ये आएगा अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया तो क्या देगा नेगेटिव बढ़ जाएगा पी एक्स की पावर एन मैंने निकाला पी एक्स की पावर एन में क्या बढ़ जाएगा माइनस एच कट तो माइनस एच कट बढ़ गया आगे तो एन की पावर एन माइनस वन में अगर उल्टा कर दिया तो ये आ गया उसके बाद ये आपका क्या होता है लिनियरिटी आपका क्या डिस्ट्रीब्यूटिविटी उसके बाद ये देखना है अगर पी एक्स एक्स का कम्यूटेटर आप देख रहे हैं एक्स और पी एक्स है एक्स और पी एक्स है एक बार पावर एक्स पे है एक बार पी एक्स पे है एक्स तो अगर पहले आए तो प्लस आई एच कट ही आएगा एक्स अगर पहले आए तो प्लस आई एच कट ही आएगा उसके बाद आपको देखना होगा पावर एक्स पे है तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन और पावर पे तो npx है तो एन पी एक्स की पावर एन माइनस वन होता है पीएस एक्स की पावर एन है पीएस की पावर एन एस यानी एक्स और पी एक्स एक्स और पीएक्स का ही कम्यूटेटर है पीएक्स पहले आया तो माइनस एच कट पी एक्स पहले आया तो माइनस एच कट एक्स पहले आया तो प्लस आएच कट पी एक्स पे आए तो माइनस एच कट एक्स पहले आए तो प्लस आएच कट पी एक्स पहले आए तो माइनस एच कट उसके

प्लीज फोकस करना क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए पॉइंट की तरफ भी फोकस करना अगर आपको पॉइंट आते हैं तो अच्छी बात है नहीं तो मैं क्वेश्चन में भी उन्हीं पॉइंट को लागू करूंगा अब देखे पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है आपसे बोला है क्वेश्चन में देखिए प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्स डी बाई डी एक्स का एफ एक्स पे लगाइए कम्प्यूटेटर तो लगाने को तो आप ए बी सी माइनस बी एस आई से भी कर सकते हैं लेकिन मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि अगर ये एक्स डी बाई डी एक्स है और अगर एक्स डी बाई डी एक्स को मैं ऐसे लिख दूं माइनस डी बाई डी एक्स एक्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये क्या है ये क्या बोलूँगा ये किसके कारण लिखा मैंने ये किसके कारण लिखा ये लिखा मैंने किसके कारण एंटी सीमेट्री के एंटी सिमेट्री रिलेशनशिप से क्या एंटी सिमेट्री रिलेशनशिप से एक्स डी बाई डी एक्स क्या होगा बराबर माइनस डी बाई डी एक्स एक्स होगा यही तो बोल रहे थे आप क्या कह रहे थे रिलेशनशिप में आपने बोला था ए कम्प्यूटिटर बी क्या होता है माइनस का बी कंप्यूटर ए होता है यही तो एंटीसीमेट्री होती है पोजिशन इंटरचेंज करने के बाद नेगेटिव आ जाए तो यह आ जाएगा अब ये देखिए ये क्या बन गया डेरीवेटिव पहला डेरिवेटिव पोजिशन या पोजिशन की पावर के साथ क्या लिख सकता हूं पहला डेरिवेटिव पोजिशन या पोजिशन की पावर के साथ पोजिशन या पोजिशन की पावर के साथ यस yes, पोजिशन या पोजिशन की पावर के साथ कम्यूटेटर में कम्यूटेटर में वही रिजल्ट देता है कम्यूटेटर में वही रिजल्ट देता है जो वो कम्यूटेटर में वही रिजल्ट देता है जो डिफरेंशिएशन में देता है जो डिफरेंशिएशन में देता है अगर कोऑर्डिनेट सेम हो तो अगर कोऑर्डिनेट क्या हो सेम कोऑर्डिनेट का मायना क्या है कोऑर्डिनेट सेम तो मतलब कोऑर्डिनेट यहाँ पे सेम है हाँ है सेम मतलब ये एक्स है ये भी एक्स है तो कोऑर्डिनेट सेम है तो डी बाई डी एक्स एक्स क्या हो जाएगा माइनस का वन साथ में क्या एफ एक्स तो आंसर सीधा क्या माइनस एफ एक्स ऐसे कर रहा है एक्स डी बाईडी एक्स है एंटीसीमेट्री लगा दी एंटीसीमेट्री का मतलब क्या होगा जो एक्स कंप्यूटर डी बाई डी एक्स होगा वो माइनस डी बाई डी एक्स कंप्यूटर एक्स होगा ए कम्यूटूटर बी की वैल्यू अगर एम है तो बी कम्प्यूटर ए की वैल्यू माइनस एम है ए कंप्यूटर बी की वैल्यू माइनस बी कम्यूटर ए के बराबर है एक्स डी बाईड की वैल्यू माइनस डी बाई डीएक्स एक्स है डी बाई डी एक्सप्यूटर एक्स के साथ वो रिलेशन देगा जो डिफ्रेंसिएशन में देगा डी बाई डी एक्स एक्स की वैल्यू वन होगी तो माइनस एफ एक्स होगा आंसर बोल दीजिए माइनस एफ एक्स इज द आंसर दैट्स ऑल माइनस एफ एक्स इज द आंसर आंसर क्या सी माइनस एफ एक्स इज द आंसर आंसर इज सी ये गैट दो हजार आठ का क्वेश्चन था एक्स डी बाई डी एक्स तो आप इजिली बता सकते हैं इसको देख के एक्स डी बाई डी एक्स आप क्या कहेंगे एंटी सिमेट्री एक्स डी वाई डी एक्स क्या होगा माइनस डी बाई डी एक्स एक्स होगा लिख दिया डी बाई डी एक्स एक्स पे लेगा तो क्या 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 देगा जो डिफ्रेंसिएशन का रिजल्ट है वही देगा डिफ्रेंसिएशन का रिजल्ट क्या होता है क्योंकि पहला डायरेविटी पोजिसन या पोजिशन की पावर के साथ कंप्यूटर में वही रिलेशन देता है जो डिफ्रेंसिएशन में देता है तो डीवाई डी एक्स एक्स क्या होता है वन तो माइनस कम एफ एक्स माइनस एफ एक्स हो गया नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर टू द वैल्यू ऑफ एक्स पी एक्स ये बुलेट पॉइंट है ये कोर प्रोग्राम नहीं है प्लीज़ फोकस करना उस पर ठीक है तो इसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके ख़त्म करने की कोशिश करते हैं एक्स पी एक्स है आपका दूसरा पोर्शन तो आप क्या कहेंगे एक्स है पी एक्स क्या होता है माइनस आएच कट डेल अपॉन डेल एक्स होता है आप क्या करेंगे माइनस आएच कट को बाहर कर देंगे क्या बन जाएगा एक्स डेल बाय डेल एक्स ये फिर से वही बन गया देल देल एक्स डेल बाय डेल एक्स को क्या लिख सकता हूँ एक्स डेल बाय डेल एक्स को क्या लिखता हूँ माइनस डेल बाई डेलेक्स एक्स लिख सकता हूँ किससे सिमेट्री से ऊपर लिख दिया तो यही आपको याद रखना है एंटी सिमेट्री से मैंने क्या कर दिया एक्स डी बाई डी एक्स को माइनस पहले लगेगा डी बाई डी एक्स एक्स लिख दिया और डी बाई डी एक्स एक्स क्या होगा डिफरेंशिएशन में क्या होता है वन तो कम्यूटेटर में भी क्या होगा वन होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी माइनस का एच माइनस वन आंसर क्या आई एच कट आंसर क्या आएगा आई एच कट प्लीज फोकस कीजिए पहला डेरिवेटिव है वैसा मत कहिए कि डिफरेंशिएशन कम्यूटेटर होता है नहीं पहला डेरिवेटिव पोजिशन या पोजिशन की पावर के साथ कम्यूटेटर में सेम रिजल्ट देता है जो वो डिफरेंशिएशन में देता है बसरते कोऑर्डिनेट सेम यहाँ पे एक्स है यहाँ पे एक्स है तो वैल्यू क्या दे दिया वन तो क्या हो गया प्लस आई एच कट ये वैल्यू कितनी हो गई प्लस आई एच कट अब जरा ध्यान दीजिए प्लस आई एच कट वैल्यू है

तीसरा क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन ये नेट अठारह का है तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से क्वेश्चन देखिए, ये नेट का, 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 का तो एक, एक तो देखूंगा क्या मिलेगा एक्स एच एक्स बोलिए क्या होगा एच एक्स होगा आपका के एक्स प्लस का वी एक्स दिस वन अलग अलग कर लीजिए एक्स के एक्स प्लस का एक्स क्या वी एक्स कम्प्यूटेटर बीच में ये क्या होगा आप देखें प्रॉपर्टी लगेगी यहां पे बहुत सारी के एक्स को क्या रख सकता हूँ पीएक्स स्क्वायर बाय टू एम रख सकता हूं क्या रख सकता हूँ पीएक्स स्क्वायर बाई टू एम क्यों क्योंकि मुझे पता है के क्या होता है पी स्क्वायर बाय टू एम होता है काइनेटिक एनर्जी के एक्स क्या होगा पी एक्स स्क्वायर बाय टू एम होगा ये होता है दिस वन वैल्यू डाल दी ऑपरेटर में भी होता है हाँ होता है वैल्यू डाल दिया एक्स पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम प्लस ये क्या होगा जीरो क्यों क्योंकि दोनों का ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन एक्टेक्स वी एक्स दोनों का ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है क्या बोला था आपने कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट में अगर दो ऑपरेटर एम और एन है और दोनों का ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है तो वे कम्यूट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा कम्यूट करते जीरो हो जाएगा अब बचा क्या ये इसको देख लीजिए प्लीज क्या बच रहा है एक्स पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम वन अपॉन टू एम चला गया बाहर क्या मिला एक्स पी एक्स स्क्वायर क्या बोला था अगर x पहले है अगर x पहले है तो प्लस आई एच कट है अगर x पहले है तो प्लस आई एच कट है और फिर पावर देखते हैं अगर पावर पी एक्स की है तो क्या हो जाएगा टू पी एक्स की पावर टू माइनस वन ये ध्यान दीजिए प्लीज जो मैं बोल रहा हूं आपको लिख के दिखा देता हूं यही मैं कह रहा था एक्स पी एक्स की पावर एन क्या होता है आप कहते हैं अगर एक्स पहले है तो प्लस आई एच कट है फिर पावर अगर पी एक्स पे है तो एन पी एक्स की पावर एन माइनस वन होगा इसीलिए मैंने वैल्यू रख दी अब इसको सोल्व कर लेता हूं आंसर क्या मिलेगा आई एच कट बाई एम पी एक्स आई एच कट बाई एम पी एक्स टू से टू कैंसिल हो जाएगा एम नीचे है एच कट अपॉन px पी एक्स तो ध्यान दीजिए एक्स एच एक्स, एक्स चाहिए ओबियस के एक्स प्लस वी एक्स हो गया जो एच लिखा है वो एक्स डायरेक्शन में देखना होता है एच यस एच एक्स तो ऐसे हो गया के एस क्या होगा पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम क्या, कैसे के पी स्क् था ऑपरेशन तो क्या, क्या है मल्टीप्लीकेशन तो जीरोना है, है और अगर एक्स पहले आया है तो प्लस आई एच कट होगा अगर पी एस पहले आता तो माइनस आएच कट होता फिर पावर देखी जाती अगर एक्स की पावर टू होती तो टू एक्स की पावर टू एन टू माइनस वन होता अगर पीएक्स की पावर टू है तो क्या हो गया टू पी एक्स की पावर टू माइनस वन आंसर आ गया ये आई एच का टोन एम पी एक्स आंसर क्या हो गया डी अगेन आएच का टपोन एम पी एक्स ये आपका 2018 नेट का था तो ये प्रॉपर्टी से ही हो जाएगा कुछ प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी कंठस्थ एक्स और पी एक्स का कम्यूटर अगर देखना है तो ये देखना पड़ेगा x पहले है कि px पहले है अगर x पहले है तो प्लस एच कट पी एक्स पहले है तो माइनस एच कट उसके बाद पावर देखनी पड़ेगी अगर पावर x की पावर n है तो एन एक्स की पावर n माइनस वन अगर पावर px की पावर n है तो एन पी एक्स की पावर n माइनस वन होगा अगर दोनों ऑपरेटर का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो हमेशा कम्यूट करेंगे x कम्प्यूटर वाई जीरो होगा x कम्प्यूटर वी एक्स इजक्ल टू जीरो होगा ये मैं जनरली कह रहा हूं नेक्स्ट चलता हूं ये क्वेश्चन देखिए आपको दिया है ये भी क्वेश्चन गैट का था प्लीज फोकस करना गेट का क्वेश्चन था पढ़ लीजिए ए प्लस दिया है ये दिया हुआ है ए प्लस ए माइनस दिया हुआ है इसकी वैल्यू चाहिए ए प्लस आपको बताया है कितना वन बाय रूट टू एक्स प्लस आई पी एक्स वन अपॉन रूट टू एक्स माइनस आई पी एक्स ये वैल्यू चाहिए दिस वन तो इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज होगी वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू बाहर चला गया कॉमन नहीं करना होता गुणा वन बाय रूट टू कॉन्स्टेंट इसका कॉन्स्टेंट इसका दोनों गुणाओं के बाहर चले गए एक्स प्लस आई पी एक्स मल्टीप्लाई एक्स और कंप्यूटर एक्स माइनस आईपीएक्स ये चाहिए आपको अब आपने जो पढ़ा है ए प्लस बी अगर सी प्लस डी के साथ देखना हो तो आप क्या करते हैं ए सी ए डी लीनियरिटी होती है ये प्लस का बी सी प्लस का बी डी ये लीनियरिटी है लीनियर टी ये भी है ए प्लस बी का सी प्लस डी के साथ सारे देखने पड़ेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ अगर ये सही है बात तो क्या हो जाएगा अगर ये बात सही है जो कि होती है अगर क्या है ये बात सही अगर ये बात सही है तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वन बाई टू क्या वन बाय टू एक्स का एक्स के साथ यस yes, माइनस का आई बाहर कर लिया एक्स का पी एक्स के साथ यस yes, प्लस का आई बाहर कर लिया पी एक्स का एक्स के साथ यस yes, माइनस का आई स्क्वायर कर लिया पी एक्स का पी एक्स के साथ एक टाइप से गुणा ही होता है एक टाइप से गुणा ही होता है अगर यहां पे जगह है तो इसको भी आगे ले जाता हूं तो वैसे जगह का प्रॉब्लम होता है फिजिकल्स की क्लासेस में माइनस आई स्क्वायर पी एक्स का पी एक्स के साथ इसलिए छोटा भी लिखना पड़ता है जगह का प्रॉब्लम होता है तो एक्स का एक्स के साथ क्या होगा जीरो क्यों बोला ऑपरेटर भाई एक्स का एक्स के साथ एक्स का पी एक्स के साथ PX का के साथ यही तो है आई को बाहर कर लिया तो एक्स का एक्स के साथ क्या होगा जीरो अपने साथ, अपनी पावर के साथ ऑपरेटर हमेशा कम्यूट करता है अपनी पावर के साथ कम्यूट करता है माइनस आई एक्सपीएक्स प्लस आई पी एक्स एक्स कैसे भी बना लो बनेगा क्वेश्चन एक्सपीएक्स को उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा प्लस आई एक्स एक्स प्लस आई पी एक्स एक्स दिस वन बोलो जी अब आप क्या कहते हैं आप कहते हैं कि पीएक्स एक्स क्या है पीएक्स एक्स क्या है बताओ जी पी एक्स एक्स क्या है यहां पे ले आता हूं अगर जोड़ भी तो अंदर वाले को तो जुड़ जाएगा वन बाई टू क्या मिलेगा आई आई टू आई टू आई पी एक्स एक्स यस टू आई पी एक्स एक्स अब देखो ध्यान से टू से टू कैंसिल आई पी एक्स एक एक्स अब आप इसको कैसे भी बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं अगर पी एक्स पहले है तो माइनस आएगा माइनस के साथ क्या होगा आई एच कट होगा अगर पी एक्स पहले पावर दोनों पे ही एक एक है किसी पे भी पावर लगा लो वन एक्स की पावर वन माइनस वन करोगे तो क्या बनेगा पी एक्स की पावर जीरो बनेगा यानी वन हो गया अगर एक्स लिखना चाहोगे तो एक्स की पावर वन माइनस वन से भी क्या बना एक्स की पावर जीरो मोटी बात क्या माइनस आई स्क्वायर एच कट यानी कि प्लस एच कट आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन होता है आई क्या होता है माइनस वन एच कट यानी पाई पाई आएगा टू पाई आएगा मैंने क्या बोला मैंने बोला यहाँ पे पी एक्स की पावर भी वन है एक्स की पावर भी वन है आपको क्या करना होता है अगर पीएक्स पहले है तो माइनस आई एच कट आ गया उसके बाद पावर चाहे पीएक्स की हो चाहे एक्स क्यू वन वन ही है तो क्या कर दिया वन पी एक्स की पावर वन माइनस वन यानी वन पी एक्स की पावर जीरो और किसी भी एंटिटी की पावर क्या होता है जीरो तो वन ही होता है अगर आप कह लगे तो एक्स लूंगा तो भी क्या होगा एक्स की पावर जीरो कट, कट है सबसे पहले क्वेश्चन को देख के भैया ए प्लस ए माइनस निकालना है क्वेश्चन को पढ़िए ए प्लस ए माइनस निकालना है क्या दिया हुआ है ए प्लस दिया हुआ है ए माइनस दिया हुआ है वैल्यू डाली आपने ए प्लस था ये माइनस था प्लीज यहां पे माइनस था ए माइनस है ए माइनस था ए प्लस था तो ए प्लस ए माइनस वैल्यू डाली वन बाय रू टू वन बाय रूट टू वन बाय टू एक तो ये ध्यान रखना है वन बाय रूट टू कॉमन नहीं होता ये इसका कांस्टेंट ये इसका कांस्टेंट दोनों का गुणा होकर बाहर आ गया उसके बाद एक्स एक्स पे लगा ये इस पे लगेगा ये इस पे लगेगा ये इस पे लगेगा ये इस पे लगा बना दिए चार एक्स एक्स जीरो अपने साथ अपनी पावर के साथ जीरो होता है प्रॉपर्टी जानते हैं आप अपने साथ अपनी पावर के साथ क्या होता है जीरो खत्म उसके बाद एक्सपीएक्स पी एक्स उसके बाद एक्सपीएक्स को क्या रख दिया एंटी सिमेट्री है तो एक्सपीएक्स अगर pxx एक्स करने लगो तो नेगेटिव बढ़ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव क्योंकि एक्सपीएक्स क्या होगा अरे ओ माइनस का पीएक्स एक्स हो जाएगा माइनस के साथ पी एक्स एक्स हो जाएगा वैल्यू डाल दी उसके बाद टू आई पी एक्स एक्स हो गया ये आ गया अब टू से टू कैंसिल आई आ गया आई पी एक्स एक्स हो गया पी एक्स पहले आया माइनस आई एच कट दोनों पे पावर एक एक आगे कुछ नहीं आना माइनस आई एच कट माइनस आई स्क्वायर एच कट दिसम ये वैल्यू हो गई ये आई आई टी गैट दो हज़ार अठारह का था एच अप अपॉन टू पाई या एच कट का ये ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर चार अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं उसमें भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच देखता हूं आगे देखिए x की पावर तीन पी एक्स है आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को x अगर पहले आया हुआ है x अगर पहले है तो क्या होगा अगर पहले है तो क्या होगा प्लस आई एच कट यस एक्स अगर पहले है तो क्या आएगा प्लस आई एच कट उसके बाद पावर किस पे है पावर भी एक्स पे है पावर किस पे है एक्स पर है तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस वन आई एच कट थ्री एक्स स्क्वायर यही तो करेंगे आप अगर मैं इसको ऐसे कह देता एक्स पी एक्स की पावर तीन है तो आप क्या कहते प्लस आई एच कट ही कहते एक्स पहले है पर फिर क्या कहते पावर तो पी एक्स पे है पावर किस पे है पीएक्स पर तो क्या करना पड़ता थ्री पी एक्स की पावर थ्री माइनस वन करना पड़ता इन दोनों का माइनस समझिए प्लीज़ बस एक्स अगर पहले है तो क्या होता दिस वन एक्स अगर पहले प्लस आई एच कट तीन पी एक्स की पावर तीन माइनस वन दिन यहां पे लेकिन क्या x की पावर तीन है पावर किस पे है x पे है तो वैल्यू ये होगी ये होगा क्वेश्चन ऊपर तो तो i h कट स्क्वायर ये बन गया आपका 3 i h कट स्क्वायर ऐसा ऑप्शन में है नहीं इसका मतलब क्या थोड़ा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन किया कर लीजिए i का गुणा कर दीजिए ऊपर i से डिवाइड कर दीजिए क्या मिला i2 तो क्या होता है -1 होता है तो i2 की जगह क्या रख दूंगा -1 तो क्या बन गया माइनस थ्री एच कट अपोन आई एक्स स्क्वायर ये भी सही है एच कट की भी वैल्यू डाल दीजिए थ्री एच अपोन टू पाई आई एक्स स्क्वायर थ्री एच अपोन टू पाई आई एक्स स्क्वायर दस गैट ये हजार 2010 का था तो प्लीज एक्स की पार तीन पी एक्स चाहिए तो सबसे पहले क्या करेंगे मुझे पता है अगर एक्स पहले है तो यहां पे भी प्लस आएच कर, यहां पे प्लस आईच कट लेकिन आपको पता है अगर पावर एक्स पे है तो थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस वन पी एक्स पे होती तो थ्री पी एक्स की पावर थ्री माइनस वन ये नहीं पूछा गया है पूछा तो ऊपर वाला गया मैं तो बता रहा हूं की पावर तीन पी एक्स एक्स अगर पहले है तो प्लस आई एच कट है एक्स अगर पहले है तो क्या है प्लस आई एच कट है ये एक्स की पावर तीन था एक्स अगर पहले है तो क्या होगा प्लस आई एच कट होगा उसके बाद थ्री की पावर थ्री माइनस वन आंसर तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बस आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है नेक्स्ट है टेंथ अब आप देखिए एक्स है एक्स है पी एक्स है ये वैल्यू चाहिए तो आपको एक्सपीएक्स का पता है क्या पता है एक्सपीएक्स का एक्स अगर पहले है तो प्लस आई एच कट है पावर इस पे ले लो चाहे इस पे वन एक्स की पावर वन माइनस वन कर लो तो क्या आएगा एक्स की पावर जीरो आई एच कट आएगा अगर इधर कहने लगे जी मैं तो पीएक्स वाला लेके करता हूं तो प्लस आई एच कट वन पी एक्स की पावर वन माइनस वन कर लो तो क्या होगा आई एच कट पी एक्स की पावर जीरो हो गया आई एच कट ही आएगा किसी भी एंटिटी की पावर जीरो क्या होती है वन होती है ये क्या होगा वन तो मोटी बात क्या है एक्सपीएक्स तो हमेशा क्या आएगा आई एच कट ही आएगा X तो हमेशा क्या आएगा आई एच कट ही आएगा पी एक्स एक्स तो हमेशा क्या आएगा माइनस आई एच कट ही आएगा एक्सएक्स क्या आएगा ये पिछली बार में यूज किया था एक्स पी एक्स क्या आई एच कट पी एक्स एक्स क्या आएगा माइनस आई एच कट वो तो होगा ही हमेशा पावर कोई होगी नहीं क्योंकि दोनों पे एक एक है तो पावर एक एक है तो क्या हो जाएगा पी uh, की पावर वन माइनस वन होकर पी की पावर जीरो वन हो जाएगा X की पावर वन माइनस वन होकर की पावर जीरो वन हो जाएगा अब इसको देखिए एक्सपीएक्स क्या होगा एक्सपीएक्स क्या होगा आई एच कट होगा आई एच कट हो गया और ये इधर क्या मिला इधर आपका एक्स है ही दिस वन ये बन गया ये तो एक्स ही है ये आई एच कट है ये वैल्यू क्या हुई आई एच कट हुई ध्यान देना प्लीज आप कह रहे हैं एक्स है तो आपने क्या बोला एक्स दिस वन और ये क्या बना ये बना आपका आई एच कट सॉरी कलर थोड़ा दिखाना चाहता हूं ताकि थोड़ा चीजें के लिए और एक्स क्या होगा आई एच कट एक्स क्या होगा आई एच कट ये क्या था आपका एक्स था आपका ये क्या था आपका एक्स ये क्या आई एच कट ये क्या बन गया ऑपरेटर ये क्या बन गया कॉन्स्टेंट ऑपरेटर कॉन्स्टेंट क्या जीरो अभी आपने बोला था कि ऑपरेटर है और दूसरा क्या हो जाए कॉन्स्टेंट है तो जीरो होता है ऑपरेटर कॉन्स्टेंट है ये ऑपरेटर है और ये क्या है कॉन्स्टेंट है तो दोनों का कम्यूटेटर क्या आता है जीरो तो आंसर क्या हो गया जीरो तो आंसर जीरो ये आपका चार नंबर का क्वेश्चन था ये भी कुछ नहीं करना एक्सपीएक्स क्या होगा आई एच कट ये है एक्स ये है आई एच कट ये क्या कॉन्स्टेंट ये क्या ऑपरेटर दोनों क्या दिया इज द आंसर एक्सपीएक्स आपको पता है क्या होता है आई एच कट होता है पीएक्स एक्स क्या है माइनस आई एच कट होता है एक्सपीएक्स प्लस आई कट क्यों एक्स पहले है तो प्लस आई एच कट पी एक्स पहले है तो माइनस आई एच कट पावर दोनों पे एक, एक है तो क्या आ जाएगा ओवियस पावर जीरो हो जाएगी पावर जीरो का मतलब क्या हो गया वन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टीएक्स पी एक्स देखना है मुझे टीएक्स पी एक्स टीएक्स क्या है काइनेटिक एनर्जी बोला हुआ है इसने काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पीएक्स स्क्वायर बाई टू एम होती है पीछे क्या है पीएक्स है वन अपॉइंट टू एम हो जाएगा क्या मिलेगा पी एक्स स्क्वायर साथ में क्या पी एक्स अपने साथ अपनी पावर के साथ कम्यूट करेगा ऑपरेटर अपने साथ अपनी पावर के साथ क्या करता है कम्यूट करता है दिस वन कम्यूट करेगा ये आप देखिए प्लीज़ ये आप कर सकते हैं तो ये 2014 में जून में था ये आप कह सकते हैं तो आंसर क्या होगा ज़ीरो होगा कि एक्स पी एक्स के साथ क्या करेगा कम्यूट करेगा ये क्वेश्चन आपको करने हैं बारवां क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यह आप करिए गेट दो का छः का आपको करना है यह आपको करना है आप इसका आंसर कमेंट बुक में लिख सकते हैं आपको करना है या आपको करना है तो मैं जनरली अभी बता देता हूं जल्दी से क्या क्या मैंने बोला है प्लीज फोकस करना मैंने सबसे पहले क्या बोला मैंने बोला आपको ये ऑपरेटर याद रखने हैं ऑपरेटर पोजीशन गुणा क्या करता है एक्स है वाई है जेड है मोमेंटम माइनस एच कट डेल अपॉन डेलेक्स होता है पहले डिफ्रेंसिएसन करता है फिर माइनस एच कट का गुणा करता है आइए आपको पता है मेजनर नंबर है आई स्क्वायर माइनस वन होता है एच कट अपॉन टू पाई होता है काइनेटिक एनर्जी जो कि आपकी पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम होती है अगर आप वैल्यू भी रखोगे तो यही आएगा माइनस एच क स्क्वायर बाई टू एम डी टू बाई डी एक्स टू होती है पोटेंशियल एनर्जी गुणा मल्टीप्लिकेशन होता है ये हैमिल्टोनियन है के एक्स प्लस वी एक्स के बराबर होता है ये वैल्यू होती है या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ के एक्स क्या पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम है और प्लस का वीएक्स है ये भी सही है

तो ये जीरो होता है फिर वैल्यू नहीं देता वैल्यू कब देता है जब एक्स है एक्स की पावर तीन है तो कंप्यूटेटर में कौन सा रिजल्ट देगा वही जो डिफरेंशिएशन का है डी बाई डी वाई है वाई की पावर चार है तो क्या रिजल्ट देगा चार वाई की पावर तीन मतलब ये और ये और ये कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए अगर ये और ये कोऑर्डिनेट अलग अलग हुए ये इसके बराबर है दिस वन मतलब सेम है एक्स एक्स ये है एक्स ये है तो वैल्यू देगा वाई ये है वाई है वैल्यू देगा लेकिन अगर ये वाई है और ये एक्स है तो वैल्यू नहीं देगा अगर ये एक्स है ये वाई है तो ये वैल्यू नहीं देगा तो वही कह रहा हूं कॉर्डिनेट सेम है तो पहला डायरेटिव पोजिशन या पोजिशन की पावर के साथ वही रिजल्ट देता है जो डिफ्रेंसिएशन में देता है उसके बाद आप फोर्थ में गई ये कंप्यूटर की प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है प्रॉपर्टी क्या है पहली एंटीसीमेट्री अगर ए कम्यूटेटर बी एम के बराबर है तो बी कंप्यूटर ए माइनस एम के बराबर होगा या मोटी भाषा में ए कंप्यूटूटर बी किसके बराबर होता है माइनस बी कंप्यूटूटर ए के इसी को क्या बोलते हैं एंटी सिमेट्री ये होती है आपकी क्या एंटी सिमेट्री ए कंप्यूटर बी क्या होता है माइनस बी कंप्यूटर ए के इसका मतलब अगर डी बाई डी एक्स कंप्यूटर एक्स की पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस वन के बराबर है तो एक्स की पावर एन कंप्यूटर डी बाई डी एक्स क्या होगा माइनस एन एक्स की पावर एन माइनस वन के बराबर होगा उसके बाद यह आता है इसको बोलते हैं जिन्हें लीनियर टी ए कंप्यूटर बी प्लस सी क्या कंप्यूटर बी प्लस ए कंप्यूटर सी या फिर मैंने अभी जो दिखाया ए प्लस बी सी प्लस डी अगर करने लगू तो किसके बराबर होगा ए सी ए डी बी सी बी डी यानी कि चारों देखना पड़ेगा यह बीसी का है Linearity. उसके बाद अगर गुणा में है, तो B, C है दोनों गुणा में सी बाहर तो किधर बी से राइट में है सी तो यहीं चला गया ए को जब सी पे लगना है तो बी बाहर किधर बी सी में देखिए सी के लेफ्ट में है बी तो बी लेफ्ट में आ गया यानी कि जो कॉम्बो है बी सी का वो यहां पे भी है यहां पे भी है देखिए प्लीज ए बी पे लगा सी बाहर ए सी पे लगा बी बाहर नेक्स्ट चलता हूं उसी के बेस पे फिर आपने कंक्लूडन किया था क्या उसी के बेस पे करके भी दिखाया मैंने मोटा मोटी लेकिन अभी ये ध्यान रखना क्या कि अगर एक्स और पी एक्स का कंप्यूटर देखना है और एक पे पावर है दूसरे पे पावर नहीं है तो आप क्या कहेंगे आप बोलेंगे कि अगर x पहले है तो प्लस आई एच कट है और पी एक्स पहले है तो माइनस आई एच कट है फिर पावर देखते हैं किस पे अगर x की पावर n है तो एन एक्स की पावर n माइनस वन है और अगर पी एक्स की पावर n है तो एन पी एक्स की पावर n माइनस वन है मैंने बहुत जगह इसका यूज किया है उसके बाद अपने साथ अपनी पावर के साथ हमेशा सा कम्यूट करता है उसके बाद कॉन्स्टेंट अगर हो तो उसके साथ कम्यूट करता है कोई भी ऑपरेटर अगर दोनों ऑपरेटर का ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन हो तो कम्यूट करते हैं ये ध्यान देना प्लीज़ इसका मैंने यूज बहुत जगह किया है और मैंने ये भी बोल दिया साथ में कि अगर x पी एक्स है x अगर पहले आया तो प्लस आई एच कट ही होगा और अगर पी एक्स एक्स है तो माइनस आई एच कट ही होगा क्योंकि इसमें पावर नहीं है दोनों क्या है वन वन किसी पे भी लगा के देख लो कि वन एक्स की वन वन माइनस वन करूँ या वन पी एक्स की पावर वन तो यही आएगा तो ये भी आपको याद रख लेना चाहिए एक्सपीएक्स है तो प्लस आई एच कट पी एक्स एक्स है तो माइनस आई एच कट फिर उसके बाद तो अगर पावर है किसी पे ज़्यादा एक्सपीएक्स स्क्वायर है एक्सपीएक्स क्यूब है तो आपको देखना पड़ेगा पावर किसके साथ है अगर एक्सपीएक्स की पावर तीन है तो आप डायरेक्ट बोलेंगे एक्सपीएक्स की पावर तीन है क्या भैया हाँ एक्स पहले है हाँ प्लस आई एच कट हो गया पी एक्स पे पावर है तो थ्री पी एक्स की पावर थ्री माइनस वन हो गया अगर पूछने लगे एक्स की पावर चार पी एक्स है तो आप क्या बोलेंगे एक्स पहले है तो प्लस आई एच कट है उसके बाद फोर है एक्स की पावर फोर माइनस वन हो गया ऐसे देख लेते हैं बस अगर आपसे पूछने लगे एक से पीएक्स की पावर दस एक्स है तो आप क्या बोलेंगे पीएक्स पहले है तो माइनस आई एच कट हो गया पावर किसपे है दस पी एक्स की पावर दस माइनस वन यानी कि माइनस दस आई एच कट पी एक्स की पावर नो हो गया ये आप बोल रहे हैं तो ये जरा...